Assalamualaikum friend, in this video I will tell you how we can use technology in our education. So हमें एक असाइनमेंट मिला था कि हमने 48 मिनट्स लॉन्ग वीडियो देखनी है और उसके बाद उसको अंडरस्टैंड करना है और उसमें से हिस्टोरिकल वर्ड्स जो हैं वो आइडेंटिफाई करने. सो इशू वॉज डैट कि इट वॉज अ सो लॉन्ग वीडियो, सो डिफिकल्ट टू वॉच. सो इसमें क्या किया कि ये वीडियो वाज एक्चुअली अवेलेबल ऑन यूट्यूब, तो वहां से उसके लिंक को कॉपी किया और फिर मैंने गूगल से सर्च किया कि क्या कोई ट्रांसक्राइबर अवेलेबल है. तो यूट्यूब का एक ट्रांसक्राइबर मुझे मिल गया ऑनलाइन, उसमें मैंने वीडियो को पेस्ट किया, वीडियो के लिंक को पेस्ट किया और वहां पे जो ट्रांसक्रिप्शन थी उसको कॉपी की. देन आई यूज माई चैट जीपीटी और उसको मैंने प्रॉम्प्ट दिया कि तुम इसमें से जो हिस्टोरिकल वर्ड है उसको एक्सट्रैक्ट करो. जब हिस्टोरिकल वर्ड एक्सट्रैक्ट हो गए तो उसको मैंने फिर कहा कि अब तुम मुझे इसको डिफाइन कर दो. सो इसने मेरा जो पूरा प्रोसेस था इसको तकरीबन इट्स टेक ओनली 15 मिनट्स टू कंप्लीट माय होल असाइनमेंट. चलिए अब हम ट्यूटोरियल की तरफ जाते हैं कि ये किस तरीके से मैंने इसको किया. सो हेयर आई हैव अ यूट्यूब लिंक. ये वीडियो थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल की, तो यहाँ से मैंने लिंक को कॉपी किया. देन आई सर्च फॉर यूट्यूब ट्रांसक्राइबर, तो YouTube ट्रांसक्रिप्ट, ये YouTube ट्रांसक्रिप्शन डॉट कॉम फर्स्ट वेबसाइट थी. वेट फॉर इट्स ओपन. चलिए यहाँ पे क्या एंटर अ यूट्यूब यू आर एल, यहाँ पे कॉपी पेस्ट की लिंक को. लेट्स गो. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके राइट साइड पे ये मुकम्मल ट्रांसक्रिप्ट आ गई है और यहाँ पे ऑप्शन है कॉपी इंटायर ट्रांसक्रिप्ट. आप इसको कॉपी कर दें. ठीक है, ये काफ़ी लॉन्ग 48 मिनट्स की है. यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, चैट जीपीटी. और ये पूरा ट्रांसक्रिप्ट यहाँ पे मैं पेस्ट कर दी और फिर आई गिव फ्रॉम एक्सट्रैक्ट. हिस्टोरिकल वर्ड्स फ्रॉम दिस ट्रांसक्रिप्ट and only in the list plan. Oh, okay, it was too long. तो यही इश्यू आया था जिसके पे इसका हाफ पोर्शन कॉपी किया यहाँ से और फिर आप इसको ये हाफ पोर्शन इसका कॉपी किया फिर आप एक लिखें कि एक्सट्रैक्ट हिस्टोरिकल वर्ड्स फ्रॉम दिस
फ्रॉम अबव इंफॉर्मेशन। तो दीज एज द हिस्टोरिकल वर्ड्स जो इसने एक्सट्रैक्ट किए। सो इस तरीके से आप इसका जो स्मॉल स्मॉल पोर्शन है आप उसको पेस्ट करके एक्सट्रैक्ट करवा सकते हैं। और लास्ट में फिर मैंने क्या कि डिफाइन ईच वर्ड। सो हेयर इट इज। सो इस तरीके से आप टेक्नोलॉजी को यूज़ करके अपने जो एजुकेशन है उस ये लर्निंग प्रोसेस को एक तो फास्ट कर सकते हैं और अपना टाइम सेव कर सकते हैं। थैंक यू।